राजनीतिक तानाशाही बढ़ रही है, हमारा संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है, और सारा का सारा अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी वहीं से शुरू होता है, और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ही व्यक्ति से शुरू होता है। महाराष्ट्र में दो फैक्ट्री आने वाले थे, एक व्यक्ति ने तय किया कि महाराष्ट्र में फैक्ट्री नहीं लगेंगे, मैं अपने राज्य में ले जाऊंगा, वहां ले गए। ये एक मिसाल है। 8 नवंबर 2016 को इस व्यक्ति ने तय किया, मित्रों नोटबंदी होगी, और नोटबंदी होगी। तो ये राजनीतिक तानाशाही है, संवैधानिक संस्थाएं बिखर रही है, और खुद मंत्रालय के मंत्री रो रहे हैं, बयान देते रहते हैं। तो ये तीन तरीके से बीजेपी आरएसएस हमारे समाज को तोड़ने में लगी हुई है, आर्थिक समानताएं, अर्थ असमानताएं, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया।